हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? जो आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं, जैसे पेट का एग्जाम, एक बार टेट, सीटेट, एपी पुलिस या एसएससी के लिए प्रश्न आता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अंडर रूट 36 धन अंडर रूट 21 धन उसके अंदर एक और अंडर रूट 10 धन अंडर रूट 36 का मान क्या होगा? जब इसे हल करना होता है छात्रों, तो ये बनता है अंडर रूट 36 धन अंडर रूट 21 धन अंडर रूट 10। अब देखो, जब 36 का वर्गमूल लिया, 36 का वर्गमूल होता है 6, तो यहाँ आ गया 6, तब आपका ये बनेगा अंडर रूट 76 धन अंडर रूट 21 धन अंडर रूट 10 और 6 16। अब एक बात बताइए, अंडर रूट 16 का जब वर्गमूल निकाले तो वो आपका होगा अंडर रूट 76 धन अंडर रूट 21 धन 16 का वर्गमूल 4। अब 21 और 4 को जोड़ देंगे वो कितना बनेगा 25, तो अंडर रूट 76 धन अंडर रूट 25, और 25 का वर्गमूल लिया तो आपका बना अंडर रूट 76 धन 5। अब 76 और 5 को जोड़ दिया तो ये आपका बन गया 81, और आपको ये पता है 81 का वर्गमूल होता है 9। इसी प्रश्न को अगर एक ही बेस पर करना है तो क्या करेंगे? क्वेश्चन आपका था अंडर रूट 76 धन अंडर रूट 21 धन अंडर रूट 10 धन अंडर रूट 36। इसे हमें ट्रिकी बेस पर करना है। किससे? ट्रिक से। तो हमें ये देखना है छात्रों, इस टाइप के प्रश्नों में ये जो चिन्ह है वो धन के हैं या ऋण के हैं। अगर धन चिन्ह है तो ये जो लास्ट में इधर या शुरुआत में जो डिजिट लिखा है उससे आगे ऐसी संख्या देखो जो पूर्ण वर्ग। इधर आप लोग जानते हैं पूर्ण वर्ग 64 होता है, उसके बाद 81 होता है, इनके बीच में आता है 76, यानी 76 से आगे जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो क्या है 81। तो अगर इसके उत्तर की बात करें 81 का वर्गमूल यानी 9, यही प्रश्न होगा। धन्यवाद। तो दूसरा प्रश्न है, इससे पहले जो कराया था उसमें धन चिन्ह था, इसमें ऋण चिन्ह है। अंडर रूट 30 ऋण अंडर रूट 29 ऋण अंडर रूट 20 ऋण अंडर रूट 16, इसे छात्रों में हम करते हैं। तो क्या करते हैं, अंडर रूट 30 ऋण अंडर रूट 29 ऋण अंडर रूट 20, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो यहां आपके हो गए 4। अब क्या करना, यहां से आपका बनेगा 30 ऋण अंडर रूट 29 ऋण अंडर रूट 20 से 4 कम किए तो बचे 16, यहाँ से आपका बनेगा 30 ऋण अंडर रूट 29 और 16 का वर्गमूल 4। अब छात्रों 29 से हम 4 कम कर देंगे, ये बनेगा 30 माइनस 29 से 4 कम किए तो 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो ये आपका बना 30 ऋण 5, यानी 30 से जब 5 कम करेंगे तो बनेगा 25, और 25 का वर्गमूल आपका होगा। इसे ही प्रश्न को अगर हम त्रिकी बेस पर करते हैं तो आपका बनेगा, क्वेश्चन आपका था अंडर रूट 30 ऋण 29 ऋण 20 ऋण 16। देखिए, अगर यहां धन होता तो मैंने आपको बताया था इससे आगे जो पूर्ण वर्ग संख्या उसका हम वर्गमूल ले लेते हैं। अगर यह माइनस चिन्ह है इसके पीछे, इसके ठीक पीछे जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो 30 के पीछे होगी आपकी 25, आगे होगी 36, इनके बीच में तीसरा, अगर यहाँ धन होता तो 36 का वर्गमूल लेते, और ऋण है तो उससे पीछे यानी 25 का वर्गमूल लेंगे। इसका उत्तर निकालने के लिए क्या रखेंगे, अंडर रूट 25 और 25 का वर्गमूल